इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी, इंडिया आफ्टर गांधी। इस किताब में किस्सा है फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की पहली रोमांटिक फिल्म बॉबी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। नमस्कार, किस्सा कहानी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु कुमावत। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम किस्सा और कहानियाँ आपके सामने रखते हैं। बात जनवरी 1977 की है। देश में आपातकाल लागू हुए 19 महीने बीत चुके थे। उस समय कोरोना तो नहीं, लेकिन देश में राजनीतिक कारणों से लोग घरों में रहने को मजबूर थे। 18 जनवरी को अचानक ही इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। इंदिरा ने अचानक यह फैसला क्यों लिया, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जानता। 18 जनवरी 1977 को ऑल इंडिया रेडियो पर चुनाव की घोषणा करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा, करीब 18 महीने पहले हमारा देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। राष्ट्र की स्थितियां सामान्य नहीं थी। क्योंकि अब हालात सामान्य हो चुके हैं, इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। ठीक उसी वक्त जेलों में कैद विपक्षी नेताओं को रिहा किया जाने लगा। पहले दिन ही 19 जनवरी को मोरारजी देसाई ने दिल्ली स्थित घर पर चार पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग रखी। ये पार्टियां थी जनसंघ, भारतीय लोकदल से किसान नेता चौधरी चरण सिंह, सोशलिस्ट पार्टी और मोरारजी देसाई की पार्टी कांग्रेस ओ। इस मीटिंग में तय हुआ कि इस बार ये सभी पार्टियां मिलकर एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। और वो वक्त जल्दी आया। महज 4 दिन के बाद ही 23 जनवरी को जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में जनता पार्टी की औपचारिक घोषणा हुई। जब इंदिरा गांधी ने अचानक लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा की, तब कांग्रेस छोड़कर आए बाबू जगजीवन राम ने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी जनता पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, ताकि बटे हुए विपक्ष का लाभ भी कांग्रेस को न मिल सके। इसके बाद जनता पार्टी और भी मजबूत हो गई। तब बाबूजी को देश में एक मजबूत दलित नेता के रूप में देखा जाता था, बल्कि कुछ लोग तो उन्हें भविष्य के पीएम के तौर पर भी देख रहे थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। पटना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, चंडीगढ़, हैदराबाद, इंदौर, पूना, रतलाम में जनसभा करते हुए मार्च के शुरुआती दिनों में वो दिल्ली पहुँच गए। मार्च के ही तीसरे हफ्ते में चुनाव होने थे। बाबू जगजीवन राम ने घोषणा की कि दिल्ली में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तारीख रखी गई 6 मार्च 1977। इस जनसभा को कमज़ोर करने के लिए इंदिरा ने एक दिलचस्प चाल चली। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं कि जगजीवन राम की इस जनसभा से भीड़ को दूर रखने के लिए कांग्रेस ने जनसभा के समय ऋषि कपूर की मशहूर रोमांटिक फिल्म बॉबी का दूरदर्शन पर प्रसारण करा दिया। तब एकमात्र चैनल दूरदर्शन ही हुआ करता था, जो सरकार के इशारे पर चलता था। कहते हैं, आम दिनों में अगर बॉबी फिल्म टीवी पर दिखाई जाती तो दिल्ली की लगभग आधी आबादी घरों में होती। लेकिन उस 6 मार्च को ऋषि कपूर की बॉबी की चमक बाबूजी के सामने फीकी पड़ गई। लोग फिल्म छोड़ जनसभा में शामिल हुए, और इतने शामिल हुए कि अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनी, आज बाबूजी ने बॉबी पर जीत हासिल की। करीब 10 लाख लोगों ने दिल्ली में बाबूजी और जयप्रकाश नारायण को सुना, और चुनावी नतीजों ने भी सभी को चौंका दिया। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही अपनी अपनी सीट हार चुके थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सभी 85 सीटों और बिहार में सभी 54 सीटों पर हार गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 25 और 40 में से सिर्फ एक ही सीट मिली। हालांकि दक्षिण भारत में आपातकाल के बाद भी कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के गठबंधन ने देश में 298 सीटें जीतते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इस तरह देश में पहली बार मोरारजी देसाई के रूप में कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना, और बाबू जगजीवन राम इस सरकार में रक्षा मंत्री बने, और आगे चलकर देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री भी बने। तो कैसा लगा हमारा ये किस्सा, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आगे सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।